हेलो एवरीवन, तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ GCM नोट्स और रिफ्यूज़ल के बारे में। तो यह पहला रिफ्यूज़ल जो है वो देख सकते हैं, उसका रीज़न है कि एप्लीकेंट ने अपना ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ही प्रोवाइड नहीं करा है। तो आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा ब्लंडर है। यहाँ पे एक और GCM नोट्स है, तो इस एप्लीकेंट ने अपना लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट जो कि IELTS या PTE का मार्क्स उन्होंने लगाया ही नहीं, और उसके साथ साथ ना ही अपना एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि आजकल जो भी एजेंट लगा रहे हैं ये कितने बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ को ध्यान रख के मेक श्योर करें कि आप खुद से भी एक बार चेक कर रहे हैं अपना फाइल लॉन्च करने से पहले। यहाँ पे एक और रिफ्यूज़ल है जो कि PTE के मार्क्स के कारण है, जो कि हमने कल भी डिस्कस करा था कि स्पीकिंग में इनका 56 है और इसी वजह से इनको रिजेक्शन आ चुका है। तो PTE ओवरऑल 60 रिक्वायरमेंट है, पर आप मेक श्योर करें कि आपका स्पीकिंग और रीडिंग में भी एटलीस्ट 60 हो। अब हम पहले थोड़े नेपाल के फाइल देख लेते हैं, उसके बाद हम इंडिया का भी एप्लीकेशन का डिस्कशन करेंगे कि अभी किस डेट का PPR आ रहा है। तो ये सारे इंडिया के फाइल हैं, तो आप डेट जैसा कि देख रहे हैं 14th और 15th मेनली है जिनके PPR अभी आ रहे हैं। आज 20th है और अभी 14th और 15th का मोस्टली PPR आ रहा है। कुछ फाइल्स हैं जो कि आपको 26th के दिख रहे होंगे, पर मोस्ट ऑफ द फाइल आप अभी भी देखेंगे तो 15th या 14th के हैं। हालांकि रिजल्ट थोड़ा स्लो आ रहा है SDS कैटेगरी के अंदर भी, पर ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है, ट्रेंड अभी पॉजिटिव है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, इंडिया से जो भी फाइल कर रहे हैं उनके लिए। अभी आप जो भी फाइल देखेंगे सब आपको ऑलमोस्ट वही मिलेगा कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर अभी फाइल आ रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑलमोस्ट 30 to 35 days SDS कैटेगरी के अंदर भी आजकल लग रहा है। तो ये सब है 19th और 20th का मोस्टली PPR। तो आप अपना भी PPR हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डेली PPR के लिए।